दोस्तों केकेआर के खिलाफ विराट कोहली को एम्पायर ने गलत तरीके से नो बॉल पे आउट दिया, उसके बाद आरसीबी टीम हुई एक रन से हार करके आईपीएल 2024 से बाहर। फिर दोस्तों बीसीसीआई ने गुस्से में आकर के एम्पायर पे लगा दिया 20 करोड़ रुपए का जुर्माना। दोस्तों अभी देखना चाहते हो आखिरकार क्या है पूरी खबर, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आईपीएल 2024 का 36वां मुकाबला केकेआर आरसीबी टीम के बीच में खेला गया। दोस्तों केकेआर टीम की ओर से फिल शॉर्ट ने मात्र 14 गेंदों में 48 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। श्रेयस अय्यर ने 50 रन लगाए 36 गेंदों में, तो वहीं अंतिम आकर के रसल ने 27 रन लगाए। रमनदीप सिंह ने 24 रन की पारी खेल डाली। दोस्तों आरसीबी टीम की ओर से यश दयाल ने 2 विकेट चटकाए, कैमरन ग्रीन ने 2 विकेट चटकाए। 222 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली के साथ डुप्लेसी मैदान पे लक्ष्य का पीछा करने के लिए आते हैं, मगर डुप्लेसी मात्र 7 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। दोस्तों पूरा वाक्य तीसरे ओवर का, जहां पर तीसरा ओवर कराने के लिए आए थे केकेआर टीम की ओर से हर्षित राणा ने विराट कोहली को 18 रन के स्कोर पे पवेलियन भेज दिया, मगर बाद में चेक किया गया तो भाई ये नो बॉल था। विराट कोहली ने इस पे बहुत ज्यादा विवाद खड़ा किया, मगर एम्पायर ने किसी की एक नहीं सुनी और एम्पायर के इस गलत डिसीजन की वजह से आईपीएल 2024 से आरसीबी की टीम बाहर हो चुकी है। और दोस्तों खबर यह है कि अब एम्पायर पर बीसीसीआई 20 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। गाइस आपके हिसाब से क्या विराट कोहली आउट थे, नॉट आउट थे, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें।